तो कैसे हो सभी लोग, स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक मूवी के ट्रेलर में। मेरा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं किसी मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। मेरा जो जेन्युइन रिव्यू होगा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे यार मैं जरा इसके उसको क्वालिटी को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। अरे 720 में ही तो है, 720 कर देते हैं। ओके विजय सर, कोई नॉर्मल स्टार नहीं, हम सबके दिलों के सुपरस्टार हैं वो। मुझे कहते हैं शेर। यार ये चीज तो माननी पड़ेगी, अक्षय सर की एज इतनी ज्यादा हो चुकी है लेकिन अभी भी भाई इनको देखो और यहीं पे टाइगर श्रॉफ को खड़े करके दिखा दो, भाई सबसे बढ़िया कौन लेगा मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तुम्हारे सामने एक टाइगर श्रॉफ है और दूसरी जगह अक्षय सर है, तुम किसको वोट दोगे भाई, तुम किसको वोट दोगे, तुम किसको चाहोगे कमेंट्स में 100% बताना है। ओके, जाकर के याद रख लेना। चलो स्टार्ट देखते हैं भाई साहब। मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती है, 2 OTT की भी और 28। अच्छा ये शायद कुछ ऐसा इसका कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है कि लाइक ये अक्षय सर इसमें इसी मूवी में एज अ कैरेक्टर मतलब एज अ एक्टर वो प्ले कर रहे हैं कि वो एक्टर है, इसी मूवी के अंदर भी वो मूवीज बनाते हैं। टैग्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का। मतलब इसमें इमरान सर एक नॉर्मल मतलब इंसान है, नॉर्मल यू नो डिसेंट सा एक वीक इंसान है, वो एक एक्टर के साथ मिलना चाहते हैं जो कि है हमारे अक्षय कुमार। क्या फालतूगिरी चल रही है? इंडिगर विजय सर के डांस नंबर के बारे में कुछ कहा ना तो अपना ओए, अरे सैफ अली खान की तरह लग रहा है यार ये सैफ अली खान। हो जाएगा सेल्फी। दुनिया जानती है कि अगर एक्टिंग के अलावा मेरा कोई दूसरा प्यार है तो वो है ड्राइविंग। ओके, ड्राइविंग वाला भी सीन है, सही है। हीरे होते हैं विजय सर के पास लाइसेंस नहीं, 2 दिन में लाइसेंस पकड़वा दूंगा। प्लीज मैडम, प्लीज एक सेल्फी दिलवा दीजिए प्लीज। ऐसे फैंस की वजह से हम जिंदा हैं वरना। अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो पुलिस ऑफिसर होता है और वो मतलब उनको वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा करके देता है जल्द से जल्द सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी के लिए भाई। तो अपने फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं। पीछे ये कौन है, फ्लाइंग बीस्ट? ना, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं। सामने अपनी यही चौड़ दिखाना चाहते थे ना तुम कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया RTO। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटे एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। फक, मतलब ये इतना हार्डवर्क करके इनको दिलाने की कोशिश करते हैं, इनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन इनको थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। क्या मुझे? बेटे एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। विजय सर सबके लिए हीरो होंगे पर मेरे हीरो आप हो। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, जिस पब्लिक ने आसमान पे चढ़ा है। ये गाना इसमें है क्या? मेरे को प्लीज कमेंट्स में जाकर के बताओ ये गाना इसमें है क्या। कोई पब्लिक उस सितारे को जमीन पे लेके आएगी? अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। वॉल्यूम बढ़ाइए। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए। अब आई लर्न ओ ओ सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए। अब आई लर्नर्स टेस्ट, रोड टेस्ट, चाहे तो ब्लड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब देके जाऊंगा और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाऊंगा ओम प्रकाश अग्रवाल जी के हाथों। तो अग्रवाल साहब कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। आपको आइडिया नहीं है जब एक सीधे साधे आदमी सटकती है तो किस हद तक जा सकता है।
आज शुरू से शुरुआत करते हैं। गैस करता हूँ कि कैसा वाला होने वाला है। लाइक इसमें जैसे ही तुमने देखा कि वो सेल्फी लेने के चक्कर में उनसे भिड़ जाते हैं, लेकिन उनके साथ गलत फैमिली हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ ये सब ड्रामा ड्रामा होता है। एंड एट द एंड ऐसा होगा कि बाद में वो समझेगा उसको, एंड उसी के साथ ही वो सेल्फी तो दूर की बात है, उसी के साथ वो लाइक एक तरीके से एकदम दोस्त बन जाएंगे, लाइव शोज में जाएंगे। लाइक मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट होने वाला है। पहले उनको बहुत ज्यादा गलत लेंगे, फिर उसको एक साथ दोस्त बन जाएंगे, लेकिन एकदम साथ साथ से। तो आई थिंक सो कैसा होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जाकर के जरूर से बताना। मेरे को प्लीज ये बताना कि इस वाले मूवी में वो वाला गाना है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।